दोस्तों, किसी भी मोबाइल के अंदर ऐप्स को कैसे छिपाएं, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हो कि हम सभी लोग अपने फोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, लेकिन ये सारे एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसा एप्लीकेशन भी होता है जो कि हम अपने फोन में तो रखना चाहते हैं, लेकिन अपने फोन के अंदर ही उसे छिपा कर रखना चाहते हैं। तो भाई, इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के अंदर ही एक ऐसे हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फोन के अंदर ही किसी भी एप्लीकेशन को छिपा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और उसके लिए आपको कोई भी अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा उस सेटिंग्स को अपने फोन के अंदर अप्लाई करना है। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी मोबाइल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन को कैसे छिपा सकते हो, ताकि जो आपका एप्लीकेशन है वो आपके फोन के अंदर ही रहे लेकिन उसे कोई भी देख ना सके। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है हाइड, यहां पर आपको हाइड सर्च करना है, ठीक है। और जैसे ही यहां पर आप हाइड सर्च करोगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको हिडन ऐप के नाम से, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले आप देख लो मेरे फोन में BGMI है, ये सारे एप्लीकेशन जो है वो मेरे फोन के स्क्रीन पर है, लेकिन यहां पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मैं ये सारे एप्लीकेशन को हाइड करूंगा और मेरे अलावा कोई भी इस एप्लीकेशन को देख नहीं पाएगा। तो कैसे सेटिंग्स करना है थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको हिडन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो जो एप्लीकेशन आपको अपने फोन के अंदर हाइड करना है यानी कि छिपाना है, डायरेक्टली आपको यहां से ऑन कर देना है, ठीक है। जैसे कि बैटरग्राउंड इंडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लाइट हो गया, MX प्लेयर हो गया, ये सारे एप्लीकेशन को मैं अपने फोन के अंदर छिपा दूंगा और इसको कोई भी नहीं देख पाएगा। तो जो जो एप्लीकेशन आपको अपने फोन के अंदर छिपाना है यहां से आप ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने के बाद ऊपर में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको सेटिंग्स पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है हाइड नोटिफिकेशन, यहां पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको यहां से ऑन कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जो भी एप्लीकेशन आप छिपाओगे और उसका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ना तो वो आपकी फोन की स्क्रीन पर नहीं आएगा, वो हाइड रहेगा। जितने भी ये नोटिफिकेशन आएंगे जो जो एप्लीकेशन के, वो सारे हाइड हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे में आपको गेस्चर का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको गेस्चर पर टैप करना है और यहां से आपको इसे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद अब ये कैसे एप्लीकेशन आप देख सकते हो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आप देख लो मेरे फोन से व्हाट्सएप गायब हो चुका है, बैटरग्राउंड इंडिया गायब हो चुका है, इंस्टाग्राम गायब हो चुका है, सारा जो जो एप्लीकेशन मैंने वहां पर ऑन किया था वो सारा एप्लीकेशन स्क्रीन से हट चुका है, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे देखोगे थोड़ा ध्यान से देखना। तो आपको करना क्या है, आपको टू फिंगर लेना है, ठीक है, और टू फिंगर को आपको गेस्चर करना है ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, यहां पर जैसे मैं करूंगा वैसे करना है, ठीक है। यहां पर देख लो ऐसे करना है आपको, तो हिडन ऐप आपको देखने को मिल जाएगा और यहीं से इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो। डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे टैप करोगे तो यहां पर आपके फोन में इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप अपने फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। और नीचे में आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टली आपको ऐप लॉक पे टैप करना है और यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। डायरेक्टली आप यहां से एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना। अब क्या होगा ना कि अगर कोई भी अगर देख लेता है आपको कि भाई आपने इस एप्लीकेशन को हाइड किया है, तो वो आपके बिना कोई भी ओपन नहीं कर सकता है। जैसे ही वो गेस्चर करेगा यहां पर, तो यहां पर सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, तब जाकर हिडन ऐप आप देख सकते हो। यहां पर उस पासवर्ड को आप डालोगे तब जाकर आपका हिडन ऐप यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो जैसे यहां पर मैं गेस्चर कर रहा हूं, डायरेक्टली सबसे पहले यहां पर पासवर्ड मांग रहा है, तो यहां पर मैं पासवर्ड डालूंगा तब जाकर हिडन ऐप मेरे फोन में शो हो रहा है। तो यहां पर आपको ऐप लॉक को ऑन कर देना है। उसके बाद जो जो एप्लीकेशन आपको अपने फोन के अंदर हाइड करना है, डायरेक्टली आप यहां से हाइड कर लेना। और अगर आपको और भी जोड़ना है यानी कि कोई ऐसा एप्लीकेशन जो आपके छूट गया है, डायरेक्टली आप ऐड पर टैप कर और यहां से उसे भी हाइड कर सकते हो, ठीक है।
डायरेक्टली आप ऑन कर दोगे तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन आ जाएगा और आपके फोन स्क्रीन से वो एप्लीकेशन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर हाइड किया है वो सारा यहाँ पर रिमूव हो चुका है, डायरेक्टली वो एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी आपके फोन में शो नहीं करेगा। नोटिफिकेशन भी जो आएगा जैसे कि व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी हाइड हो जाएगा, डायरेक्टली वो स्क्रीन पे आपका नहीं दिखेगा। जैसे पहले क्या था कि स्क्रीन पे आ जाता था, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, वो सारे एप्लीकेशन के अंदर हाइड रहेगा और नोटिफिकेशन भी हाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो और उसके लिए आपको अलग से कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। तो ये सेटिंग से आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हो, वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।